हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान है जिन्होंने अब तक हमें अलग अलग किरदारों से मनोरंजन किया है, कभी डराया है, कभी हंसाया है। जी हम बात कर रहे हैं शैजी शिंदे जी की। शैजी सर, वेलकम टू इंडिया टीवी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। सर, आज के जो हालात हैं, जिस तरह से मतलब जो हालात है, पैंडेमिक चल रहा है, सभी तरह क्राइसिस हैं, किस तरह से इस टाइम को स्पेंड कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैक्सिमम शूटिंग बंद है, बाहर का काम सब बंद है और डिस्टेंस तो सब जगह रखना ही पड़ता है, तो उस तरह से ज़िंदगी जा चल रही है। मतलब अपन तो ठीक है, लेकिन बाकी जो देख रहा हूँ मार्केट में, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं मार्केट में, दुकानदार छोटे हैं, रिक्शा से लेके सब काम करने वाले, बहुत हाल, जो रोजी रोटी जिनकी दिन भर काम करके होती है उनकी हालत बहुत ख़राब है, और उससे ऊपर हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, पेशेंट को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें बहुत इस पूरी एज में मेरे लाइफ में पहली बार मैं ये सब देख रहा हूँ, तो समझ में नहीं आता है कि ये सिचुएशन क्यों आई, कैसी नहीं आनी चाहिए, और अभी तो स्टन हूँ मैं। बिल्कुल सर, जिस तरह की जो हालात हैं, मतलब सभी एक तरह से पूरी जो देश है पूरा थम सा गया है, सभी कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, सारे शूटिंग्स मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हैं, तो एक इस पे आपकी क्या राय है? मतलब कि अभी जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, लोग बाहर जाके शूट कर रहे हैं, तो लाइक एज एन इंडस्ट्री मेम्बर, इंडस्ट्री के हिस्सा होने के नाते आपकी क्या राय है? देखिए, अभी बॉम्बे में शूटिंग कंपलसरी बंद करना पड़ा ताकि बहुत से एक्टर, बहुत से यूनिट को कोरोना हो गया, तो उससे तो फैलने से बेटर है कि कंट्रोल कर जाए। तो कंट्रोल करते करते क्या हुआ कि प्रोडक्शन होता है, उसका एक लिमिट बजट होता है, वो सब रोक नहीं सकते, तो विद इन द बजट, विद इन द लिमिट, विद इन द टाइम स्पैन वो सब करना पड़ता है। तो कुछ लोगों ने गोवा गए, कुछ हैदराबाद गए, कुछ राजस्थान, यूपी, जहाँ भी ट्राई किया। मैं भी अभी अयोध्या जाके आया एक शूटिंग करने, अभी अजमेर जा रहा था, तो लेकिन क्या हुआ कि वहाँ भी कोरोना बढ़ गया, तो वहाँ भी रोकना पड़ा, तो बहुत नुकसान हो गया है। अभी गोवा में सब शूटिंग बंद हो गया है, हैदराबाद में अभी मराठी कुछ सीरियल के लिए लोग गए, ताकि सीरियल को तो क्या है, लोग टीवी देख रहे हैं, उनको अगले एपिसोड वही कहानी के चाहिए ना, तो वो सब सडनली नहीं वो उपलब्ध हो रहे, तो क्या करें। तो अभी हैदराबाद का भी मौसम ठंडा हो गया है, तो बहुत नुकसान हो गया है सब जगह से, समझ में नहीं आता है कि वो लाइन पे कैसे आ जाए, लेकिन यही है रास्ता है कि पेशेंट बढ़ाने का जो भी रेशो है वो कम होना चाहिए और जल्द ही ठीक होना चाहिए, तभी ये सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, जो ये जो हालात हैं सभी ने पहली बार देखा है, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखा के भी जा रहा है हमें, काफ़ी कुछ एक इंसानियत के बारे में, जो हम एक साइंस को लगता था कि हम सबसे आगे बढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं हमें भी दिखा दिया है कि मतलब कौन कहाँ पे है और किस तरह से सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अभी अभी ये सब माहौल में ये नहीं समझ में आता है कि सच में क्या हो रहा है, किधर से ये वायरस आ गया है और कितना तकलीफ दे रहा है, उसमें कितने अलग अलग टाइप आ रहे हैं, तो ये सब चाइना में क्यों पैदा हो गया, और चाइना में पैदा हो गया तो चाइना में अभी क्यों नहीं है, तो फिर अमेरिका का तभी क्यों नहीं होता, इंडिया, मतलब वर्ल्ड में जब कोई भी वायरस आता है तो सब जगह एक ही टाइम पे आना चाहिए ना, तो ये समझ में नहीं आता, लेकिन पूरा वर्ल्ड उसको फाइट कर रहा है, तो सबको नुकसान तो बहुत हो रहा है, और पहली बार दुनिया ये देख रही है कि ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, नेचर इम्पोर्टेंट है, और कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, इम्पोर्टेंट तो वही है कि ऑक्सीजन हो जाए, ज़िंदा रहने की ज़रूरत है, बाकी सब तो चीज़ें सेकेंडरी आती है। अरे, जैसे अभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, अगर हाल ही में आपने बताया आप कोई प्रोजेक्ट्स की शूट कर रहे थे, इतने अरसे से हम आपको देख रहे हैं हिंदी सिनेमा में, मराठी सिनेमा में, हर तरह के किरदार निभाते हुए, तो अब कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताएं कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह का किरदार होने वाला है? अभी देखो, महेश मांजरेकर जी है, उन्होंने मुंशी पैटर्न का रीमेक अंतिम नाम से हिंदी फिल्म आ रही है, जिसमें लीड रोल में सलमान खान और आयुष शर्मा है, तो महेश मांजरेकर जी डायरेक्टर है, तो उनके वो फिल्म में मैं एक अच्छा इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ, अंतिम ये कंप्लीट हो गई फिल्म। फिर मैं एक अजमेर 92 करके पुष्पेंद्र जोशी करके डायरेक्टर है, उनकी फिल्म कर रहा हूँ, उसमें अजमेर में शूटिंग होने वाला था लेकिन वो अभी कैंसिल हुआ है, और वो अभी मध्य प्रदेश में होने वाला है।
फिर मैं अभिषेक चौबे के साथ जिसमें एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स की, वो मनोज वाजपेयी और मैं भाई भाई का रोल कर रहा हूँ, तो वो अभी जून में है अभी तक, तो उसका शूटिंग 25 जून के बाद का अभी तक तो बताया गया है। उसके बाद नागराज मंजुले प्रोडक्शन की एक फ़िल्म कर रहा हूँ जिसमें नागराज मंजुले खुद काम कर रहे हैं, वो मराठी फिल्म है और अवताड़ेकर के डायरेक्टर है। वो फिल्म मार्च में शुरू होने वाली थी, फिर अप्रैल में गई, फिर अभी मई में गई, तो मई का भी नहीं हो रहा है, तो अभी देखते हैं। ये 3-4 प्रोजेक्ट पूरे कोरोना की वजह से आगे गए हैं। और तेलुगु की एक दो फिल्म में कर रहा हूँ, तमिल एक फिल्म किया जो आर्टिकल 15 का रीमेक है, तो ऐसा चल रहा है। और ये महीना तो पूरा अपन घर में बैठे। एज एन एक्टर हमेशा ट्रैवल करते हैं, शूट्स पे बिजी रहते हैं, बट अब जबकि समय इतना घर पे मिला है, तो किस तरह से इस समय को टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? हमारा जो मैं अभी रहता हूँ इधर ओबेरॉय के एक्सक्विजिट में, तो 9th फ्लोर हमारा पांच फैमिली है, तो जैसे कि वो एक फैमिली जैसे है, तो हम लोग बहुत सुबह से शाम तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। मतलब चाय पार्टी होती है, कॉफ़ी पार्टी है, खाने का पार्टी होता है, बर्थडे होता है, कुछ ऐसे करते करते टाइम जाता है। फिर फैमिली के साथ भी वही कि खाने पीने में ज़्यादा रस लेते हैं, और दोस्त लोग आते हैं, कुछ मीटिंग्स होता है, वॉकिंग के लिए जाना, ज़्यादा बाहर घूमते नहीं हैं, तो मतलब ज़्यादा घर पे बहुत 15-20 साल में पहली बार इतना घर पे रहा हूँ। सर अब जबकि मतलब हम उम्मीद करते हैं कि पैंडेमिक जल्द ही ख़त्म होगा, सारी चीज़ें बेहतर होंगी, तो अब दर्शकों से, सभी फैन से, व्यूअर से, सभी से क्या कहना चाहेंगे आपके जो नए किरदारों के बारे में और आने वाले समय के लिए? देखिए मैं अभी ये तो फिल्में कर रहा हूँ, आपको बताया कि अंतिम आ रही है, एक अभिषेक चौबे जी और हनी ट्रियान करके है, प्रोडक्शन उनका है, वो अच्छा एक प्रोजेक्ट है। नागराज मंजुले इनका एक अच्छा प्रोजेक्ट है। पुष्पेंद्र जोशी जी का वो अजमेर 92 ये फिल्में कर रहा हूँ। आर्टिकल 15 तमिल फिल्म कर रहा हूँ। तेलुगु का एक दो फिल्म कर रहा हूँ। पूरी जगन्नाथ जी के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ। वो तो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, लेकिन इस दौरान मैं वो पेड़ लगाने का काम पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़िंदगी में बड़ी चीज़ क्या है, तो माँ होती है जो निस्वार्थ अपने को ज़िंदगी देती है, उसके बाद है पेड़ है जो अपने को अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़िंदगी भर काम करता है और उसके बदले में कुछ नहीं लेता है, तो पेड़ के बारे में। तो पूरा वर्ल्ड को ये पता चल गया है कि ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है, पेड़ कितना इम्पोर्टेंट है, खाना और ऑक्सीजन, हवा जो सिर्फ पेड़ से मिलती है, पानी वजह गिरने की वजह भी पेड़ होता है, और मिट्टी को अच्छा रखने के लिए भी पेड़ की ज़रूरत होती है। तो मैं सोचता हूँ कि हर सारे लोग पेड़ लगाए और अपना ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात कही आपने जाते रहते, उम्मीद करते हैं दर्शक भी इसे फॉलो करेंगे, आज के समय में बहुत ज़रूरी है, आपने हमें समय दिया, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे शायजी शिंदे जी जो बता रहे थे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में और क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह से समय को व्यतीत कर रहे हैं। कैमरामैन हर्षद के साथ आशुतोष बढ़ गई, इंडिया TV मुंबई।